नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक ऑफ इंडिया में जो होने वाला है रिक्रूटमेंट, उसके बारे में। जैसे कि हमें पता है बैंक ऑफ इंडिया में काफ़ी तगड़ा रिक्रूटमेंट होने जा रहा है, तो उस वीडियो के बारे में आज हम बात करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और आज हम देखेंगे कि बैंक ऑफ इंडिया में कौन कौन के प्रकार के पोस्ट, मैनेजर की पोस्ट भरने वाले हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो मैं आप सभी का इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर पोस्ट के लिए होने वाला रिक्रूटमेंट जो 2022 में होगा, उसके बारे में आज मैं आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कितने पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट होने जा रहा है, क्वालिफिकेशन क्या होगा, और उसके बाद जो हम बात करेंगे वो बात होगी लास्ट डेट के बारे में। अगर हमें अप्लाई करना है तो लास्ट डेट क्या होगी और हमें किस तरीके से अप्लाई करना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक दरख्वास्त करूँगा, और इस वीडियो के दौरान मैं आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दूँगा वो आपको देखना है वीडियो के एंड तक। तो मैं आप सभी से दरख्वास्त करूँगा, ये इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है, और वीडियो में दी जाने इन्फॉर्मेशन यूज़ करके आपको बैंक ऑफ इंडिया में जो होने वाला रिक्रूटमेंट है उसके लिए ज़रूर अप्लाई करना है। तो शुरू करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों आज का ये वीडियो। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा ये एकेडमिक इंसाइट्स नाम का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, आपने अगर इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आप सभी से दरख्वास्त करूँगा कि आप ये मेरा एकेडमिक इंसाइट्स नाम का चैनल सब्सक्राइब करें। साथ ही में यहाँ पे जो बेल आइकॉन दिखेगा उसको भी प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि इस प्रकार की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको अपने आप मिलती रहेंगी। साथ ही में वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और बिना भूले आपका वैल्यूएबल कमेंट करना ना भूलिएगा, ताकि हम इस प्रकार की वीडियोस को और भी बेहतर बना सके। तो मेरे प्यारे दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जहाँ पर हम बात करेंगे बैंक ऑफ इंडिया में होने वाले रिक्रूटमेंट के बारे में। ये जो रिक्रूटमेंट होने जा रहा है वो होने जा रहा है मैनेजर पोस्ट के लिए। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। मेरी सभी से और एक बार दरख्वास्त है कि ये वीडियो आप अंत तक देखिएगा। तो देखते हैं, ये जो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये जो बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसके द्वारा उन्होंने बताया है कि बैंक ऑफ इंडिया में, ये जो बैंक ऑफ इंडिया है ये भारत का सबसे आगे लीडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक है, जिनका हेड ऑफिस मुंबई में है, उसके द्वारा ये रिक्रूटमेंट होने जा रहा है। शुरू में तो हमने यहाँ पे देखा है, यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट होने जा रहा है वो हो रहा है स्क्रूटिनी ऑफिसर पोस्ट के लिए। ये जो पोस्ट यहाँ पे फिल किया जाएगा इस रिक्रूटमेंट के दौरान, उस पोस्ट का नाम है, उस पद का नाम है स्क्रूटिनी ऑफिसर। ये जो पद है वो स्क्रूटिनी ऑफिसर के लिए यहाँ पे पद भर्ती हो जाएगी। टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 25, यहाँ पे जो भी रिक्रूटमेंट होगा उसका नंबर है 25। और अगर हम रिजर्वेशन की बात करेंगे तो 2 सीट्स एससी के लिए रिजर्व है, एसटी के लिए 2 सीट्स हैं, ओबीसी के लिए 9 सीट्स हैं, ईडब्ल्यूएस जिसको हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन बोलते हैं उनके लिए 1 सीट है, जनरल सीट्स हैं 11, जो हम ओपन सीट्स बोलते हैं उसके लिए 11 सीट्स हैं, और उसके बाद टोटल कुल मिला के 25 सीट्स के लिए ये रिक्रूटमेंट होने जा रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसके दौरान हमने अभी अभी जो पद भरने जाने वाला है उसकी इन्फॉर्मेशन ली, और कुल मिला के कितनी सीट्स वहाँ पे हैं उसके बारे में भी हमने यहाँ पे जानकारी ले ली है। तो जो पोस्ट भरने जा रहे हैं उस पोस्ट का नाम है स्क्रूटिनी ऑफिसर। बैंक में एक स्क्रूटिनी ऑफिसर होता है, उसकी ये पोस्ट है, मैनेजरल लेवल का ये पोस्ट है, ऑफिसर लेवल का ये पोस्ट है, और कुल मिला के 25 सीटों के लिए ये रिक्रूटमेंट होने जा रहा है। अब हम बात करेंगे कि लास्ट डेट क्या है, कब से एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं और कब तक हम एप्लीकेशन कर सकते हैं, तो इसके बारे में आज हम ज़रूर बात करेंगे। यहाँ पे अगर हमें देखना है तो हम देखेंगे एप्लीकेशन डेट और एप्लीकेशन कब से भरवाना शुरू हो चुका है। 24 दिसंबर 2021 से एप्लीकेशन भरवाना शुरू हो चुका है। हमें ऑनलाइन एप्लीकेशन भरवाना है। अगर हमें ऑनलाइन एप्लीकेशन भरवाना है तो
हमें बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, बैंक ऑफ इंडिया का जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ हमें विजिट करना पड़ेगा। विजिट करने के बाद हमें उस टैब को क्लिक करके ऑनलाइन एप्लीकेशन भरवाना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं 24 दिसंबर 2021 से, और ये ऑनलाइन एप्लीकेशन करने का आखिरी तारीख है 7 जनवरी 2022। तो 7 जनवरी 2022 तक हमें इस फॉर्म को अप्लाई करना है। इस पोस्ट के लिए हमें फॉर्म भर के, ऑनलाइन फॉर्म भर के अप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो के दौरान मैंने आपको बैंक ऑफ इंडिया में होने वाले स्क्रूटनी ऑफिसर, जो मैनेजर लेवल का पोस्ट है, ऑफिसर लेवल का पोस्ट है, उसके बारे में आपको जानकारी दी है। मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस दौरान जो भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो आपके लिए उपयुक्त होगी, ऐसा मुझे लगता है। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए उपयुक्त है तो आपके हिसाब से इस फॉर्म को आपको भरना है, और आपके दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करना है ताकि उनको भी इस ऐड का, इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। तो वंस अगेन मैं कुछ कुछ चीज़ें आपको और एक बार दोहराना चाहूँगा। इस वीडियो के दौरान हमने देखा है बैंक ऑफ इंडिया में कितने सारे पोस्ट हैं, कौन से पद के लिए पोस्ट है, कुल मिला के कितनी सीटें हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरने की तारीख कब शुरू हो चुकी है, कब ख़त्म हो रही है, ये सब बातें हमने इस वीडियो में देखी हैं। मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही में ये जो मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है एकेडमिक इंसाइट्स, उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही में यहाँ पे जो बेल आइकॉन दिख रहा है उसको भी प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आपको इस प्रकार की वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस अपने आप मिलती रहेंगी। और जब हम आप वीडियो देखेंगे, अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा आपके दोस्तों में, आपके रिलेटिव्स में, आपके फ्रेंड्स में, और उसके बाद आपका जो वैल्यूएबल कमेंट है उसको देना ना भूलिएगा। आपने ये वीडियो देखा उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कुछ तो नई बात, अलग सी बात जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और एक वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।